हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग काम करेंगे इस स्पाइकस बेंजामिना के ऊपर। इस ट्री को मैंने नर्सरी से लाया था, काफी मैच्योर लग रहा है ये, एंड अभी से बोनसाई जैसा ही लगने लगा है। सो इसको एक हफ्ते पहले मैंने नर्सरी से लाया था, एंड आज इसको हम लोग बोनसाई सॉइल में लगाएंगे, एक बोनसाई पॉट में लगाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू थ्रिलर बोनसाई। सो चलिए दोस्तों, काम स्टार्ट करते हैं अपने स्पाइकस बेंजामिना के ऊपर। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना ब्यूटीफुल है ये ट्री। इसे बोनसाई जैसा दिखने लगा है, एंड लुक्स लाइक काफ़ी मैच्योर है ये ट्री। एंड इतने अच्छे शूट्स देखे हैं मुझे, आई थिंक इसके रूट्स भी बहुत डेंस होंगे, बहुत अच्छे होंगे, दैट्स व्हाट आई अज्यूम। सो चलिए देखते हैं उसके रूट्स कैसे हैं। तो मैं आपको फर्स्ट रिमूव द प्लास्टिक। सो इस प्लास्टिक को पहले निकाल देते हैं, एंड स्ट्रे के अंदर मैं इसको रखता हूँ। इसको कट देते हैं। सो इसको ड्रेनेज होल्स भी रखे थे उन लोग ने। सो वेरी नाइस ऑफ देम, नाइस थॉट। एंड नीचे से रूट्स भी निकलने लगे इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो काफी स्ट्रांग है ये ट्री, इट्स वेरी हैवी एज वेल। इसको हम लोग को लगाना है बोनसाई सॉइल में। एंड इट्स सम वर्म्स हियर, कैटरपिलर, इज इट? इसको मैं ऐसे रखता हूँ, एंड एक साइड से पहले इसकी सॉइल को निकालने की कोशिश करता हूँ, बाद में दूसरे साइड से, तो क्या हो जाता है, पूरा कचरा हो जाता है। सो स्लोली स्लोली स्टार्ट करते हैं इसके सॉइल को फ्रैक करने के लिए। ये कैटरपिलर बाहर आ गया। सेंटर में लेता हूं। केयरफुली करना पड़ता है, रूट्स को डैमेज नहीं होना चाहिए। सो धीरे धीरे रूट दिखने लग गए, एंड यस दे आर वेरी वेरी डेंस, एज आई एक्सपेक्टेड, डेंस तो है वो। सॉइल उतनी वेट नहीं है तो इजीली निकल रही है। ये दिख रहा है इतना बड़ा रूट है यहाँ पे। घर पे काम करने का ये एक प्रॉब्लम है, स्पेस का रिस्ट्रिक्शन रहता है। सो इस एक्स्ट्रा सॉइल जो है उसको पहले मैं मूव करता हूँ। स्पॉट में भी होल्स है,
रखते हैं यहाँ पे, सॉइल को मूव करते हैं स्पॉट में। सो एक्स्ट्रा सॉइल को पहले मैं हटा देता हूँ, स्पेस बनेगी। स्पेस नहीं रहेगी तो स्पेस बनानी पड़ती है। सो एक मैं पॉट ले रहा हूँ एंड उसमें आई एम पुटिंग द एक्सेस सॉइल विच आई डोंट वॉन्ट। ये सॉइल थोड़ी अलग है, थोड़ी डार्क है, एकदम रेडिश नहीं है, ब्लैकिश है थोड़ी। मैं नीचे रखता हूँ एंड विल यूज इट एज एंड रिक्वायर्ड। सो इसको हम लोग थोड़ा सा टर्न करते हैं, अभी दूसरे साइड से भी निकालना है। एंड एज यू कैन सी काफी ज्यादा सॉइल है। चलिए इस साइड से चालू करते हैं सॉइल को निकालने के लिए। फर्स्ट टाइम इतने बड़े ट्री पे काम कर रहा हूँ मैं। मेरे पास जितने भी ट्रीज हैं, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वन एंड इसका रूट भी इज द मोस्ट डेंस वन। कोशिश करूंगा कि रूट्स ब्रेक ना हो। ये जो सॉइल है एक्युमुलेट हो गया है, इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ। सो इसीलिए कभी सॉइल यूज नहीं करता मैं ऐसा। बोनसाई सॉइल जो रहता है वो काफी क्लीन रहता है। बट नर्सरी वालों को नहीं परवड़ता है तो वो इसी रेड सॉइल में लगाते हैं। सारा सॉइल आ गया है, इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। बहुत ज्यादा सॉइल है, सो
नीचे लेता हूँ। प्लास्टिक को निकाल देते हैं अभी, शायद इसका काम हो गया। रूट्स है इसके अंदर से जा रहे हैं, आई थिंक वो रूट्स को भी पहले प्रून कर देते हैं। परफेक्ट, इस प्लास्टिक को रिमूव कर देता हूँ मैं। सभी बचा ओनली एंड ओनली दिस। इसको मूव करता हूँ यहाँ पे। सो नीचे से हम लोग को जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा केयरफुली, ट्री को रख के ऐसे रख के वी कैन डू इट। एज यू कैन सी इतना बड़ा रूट है, ये नहीं चाहिए अपने को। इट्स अ ह्यूज रूट, इट्स डेड ऑन मार्बल, और रिमूव करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। अच्छा चांस मिलेगा, ये अच्छा मौका मिलेगा मेरे को, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा फर्स्ट टाइम ऐसे बड़े ट्री के ऊपर काम करने के लिए। इसका रूट स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इतना डेंस है, इट्स अ मैच्योर ट्री, वेरी वेरी मैच्योर वन। सॉइल तो खत्म ही नहीं हो रही है अभी भी, काफी ज्यादा है यहाँ पे, रूट्स भी है इधर। सॉइल को पहले रिमूव करता हूं मैं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाएगा अपने पास। सॉइल जो है एक्स्ट्रा, उसको रिमूव कर देता हूं। चलिए कंटिन्यू की करते हैं।
सो काफ़ी हद तक निकल गई है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 40% है। बहुत अच्छा रूट है ये, मस्त दिखेगा बोनसाई में। सॉइल को मूव करते हैं, अभी बहुत सारी सॉइल जो है वो जम गई है यहाँ पे, उसको मूव करते हैं। सो अभी कंटिन्यू करते हैं इसकी सॉइल निकालना। नीचे भी काफी सॉइल है, वो भी निकालनी होगी। नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैं, कुछ भी काफी ज्यादा है इसके डेंस। ऐसे कभी भी फैन आउटवर्ड्स करते हैं, मतलब वी ऑलवेज ऐसे आउटवर्ड्स ही सॉइल निकालने की कोशिश करते हैं, इनवर्ट्स नहीं जाता। सीरा अच्छा रूट। क्या होगी इस ट्री की एज, कैन यू गेस? मुझे तो लगता है कम से कम पाँच से दस साल तो होगा, 10 साल हो सकता है। यहाँ पे अभी भी सॉइल है,
अभी निकल रहा है फटाफट सोहेल। सॉइल को निकालते पहले, अभी सॉइल जमा हो गई है, खड़ा नहीं रहेगा। फिर तक सॉइल निकाल दिया अभी। बीच में सेंटर में थोड़ा है सॉइल, सो उसको मैं निकाल रहा हूँ अभी। सारी सॉइल निकल गई, ऑलमोस्ट 10% बचे है, वो मैं निकाल रहा हूँ। हटा देता हूँ,
अभी देखते हैं और कुछ बचा है क्या। बीच में है थोड़ा, निकाल देते हैं। ऑलमोस्ट निकल गया, अभी वॉश में वॉशिंग में ये सब क्लीन हो जाएगा। वॉश करते हैं रूट्स को। ये पानी भी कम पड़ जाएगा शायद वॉश करने के लिए, है मेरे पास पानी जी। हाँ ये तो कम ही पड़ रहा है, इसमें वॉश नहीं होगा। इसको मैं बाथरूम में जाके वॉश करके। सो ये हो गया अपने रूट्स वॉश, अच्छे से आप देख सकते हो काफ़ी डेंस हैं रूट्स, एंड ऐसे हो गया अभी रूट्स। इसको अभी हम लोग को थोड़ा प्रून करना पड़ेगा रूट्स को, डेफिनेटली वी डोंट वांट सच ह्यूज रूट्स। सो इसको हम लोग कट करेंगे एंड देखते हैं अभी कैसे फिट कर रहा है इसको पॉट में। तो पहले इस रूट्स को हम लोग प्रून कर देते हैं, बाद में पॉट लगते हैं। तो जो लंबे रूट्स है उनको मैं सबसे पहले प्रून करता हूँ। काफी लंबा दिख रहा है, इट्स वेरी बिग, सो इसको पहले प्रून करता हूँ। चिट, ये हो गया एक रूट रिमूव। सेकेंड रूट ये वाला है जो काफी उल्टा उल्टे डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है एंड बेंड हो रहा है वो। सो इसको हम लोग सॉइल के बेस के यहाँ पे लाके प्रून कर देंगे। सो ये अपना सॉइल बेस रहेगा, सो वहाँ से नए रूट्स निकलेंगे जो रेडियल आउटवर्ड्स और स्प्रेड होने के चांसेस हैं। सो इसको मैं फ्लैट कट दूंगा। सो इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल का अपर पोर्शन। सो नेक्स्ट ये रूट भी काफी लंबा हो रहा है, सो इसको भी हम लोग को प्रून करना होगा। इसको भी हम लोग कट कर देंगे। ये रूट भी वैसे ही है, रेडियल है, सो दैट्स अ गुड थिंग, बट आगे जाके टर्न हो रहा है, सो विल कीप इट शॉर्ट, कीप इट दिस मच। इसको प्रून कर दें। ये जो है रूट सेम सिचुएशन विद दिस आल्सो, इसको भी हम लोग उसी डायरेक्शन में प्रून करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूट की तरफ। ये रूट भी आउटवर्ड जा रहा है, विच इज वेरी गुड, इसकी भी हम लोग को लेंथ कम करनी पड़ी, तो वो हम लोग ये एक रूट है, इसको भी हम लोग को प्रून करना है। सो ये हम लोग यहाँ पे प्रून करेंगे। बच्चे दो रूट्स हैं, इनको भी हम लोग को शॉर्ट करना है उसी डायरेक्शन में, वहां पे हम लोग को शॉर्ट करेंगे। ये बड़ा रूट है, इसको भी हम लोग प्रून कर देंगे। बहुत लंबे रूट्स हैं उनको जस्ट नॉर्मल प्रूनिंग। दैट्स इट, आई थिंक ये ठीक रहेगा प्लांट करने के लिए। सो हम लोग देखेंगे ये फिट हो रहा है क्या, इसे बराबर फिट हो रहा है। इसको फ्रंट डिसाइड करेंगे हम लोग एंड उसको पॉट करेंगे। ये काफी लंबा दिख रहा है अभी भी, तो इसको और थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। दिस इज टू डीप, ये कि बेस में आना चाहिए सब कुछ। इसको मैं शॉर्ट, ये थोड़ा सा बीच
में आ रहा है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं। अभी इसको हम लोग प्लांट करेंगे। प्लांट करने से पहले मैं एक बार एक और वॉश उसको दूंगा, फिर हम लोग इसको प्लांट करते हैं। सो चलिए गाइस, अभी इस ट्री को प्लांट करते हैं हम लोग। ये हो गया अपने रूट्स अच्छे से प्रून, एंड आप देख सकते हो कैसे प्रून किया है। नीचे से भी एक व्यू दिखा देता हूँ आपको, ऐसे दिख रहे हैं अभी अपने रूट्स, जो काफ़ी आइडियल लग रहे हैं। सो यहाँ से नेक्स्ट टाइम अच्छे रेडियल रूट्स निकलने का चांस है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बोनसाई होगा अपना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोनसाई दैट आई एवर हैड। सो चलिए चलते हैं, अभी इसका अपने को डिसाइड करना है फ्रंट ऑफ द ट्री, फ्रंट क्या होगा इसका। सो देखते कौन सा साइड अच्छा दिखेगा इस ट्री का, फ्रंट साइड ये शायद से अच्छा दिख रहा है, नॉट दैट मच, ये अच्छा लग रहा है, दिस इज फाइन आई थिंक। ओके सो इसको हम लोग फ्रंट पोर्शन लेते हैं, ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं। फिट भी होना चाहिए पॉट में। ये अच्छा दिख रहा है, राइट। सो ऐसे लगाते हैं हम लोग, और ऐसे लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ेगा साइड से। हल्का सा इस साइड से भी, इससे भी बैठ सकता है वो। Does this look good? Yes, it does. दूसरे साइड से ऐसे दिखेगा, which is fine. So ऐसे बिठा सकते हैं हम लोग इसको, मेकिंग श्योर दैट इट इज इन द सेंटर ऑफ द पॉट। जो रूट्स है दो, उसको और थोड़ा सा ट्रिम करता हूँ। अभी अच्छा दिख रहा है, बैठ भी रहा है अच्छे से, राइट। सो एज यू कैन सी इट्स लुकिंग गुड, एंड इसे बैठा भी है। सो अभी उसको थोड़ा और सॉइल डालते हैं एंड मजबूत करते हैं। तो ये है मेरे पास थोड़ा बोनसाई सॉइल, इसको मैं ऊपर डालता हूँ। और दूसरे साइड में भी। सो इनके साथ वंडर कर रहे हैं सॉइल में क्या है। सॉइल में बस परलाइट है, पीट मॉस है, और थोड़ा ग्रेवल है। ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो थोड़ा प्यूमिस या वर्मी कंपोस्ट भी आप ऐड कर सकते हो। सॉइल मेकिंग के ऊपर और एक वीडियो है जो मैं बनाऊंगा। सभी इस जैसे कि लूज है तो इसको हम लोग को टाइट करना है, पकड़ मजबूत होनी बहुत जरूरी है बोनसाई ट्रीज में। सो इसमें हम लोग थोड़ा सा फोर्सेप्स से उसके सॉइल को अंदर वर्क करेंगे, अंदर तक सॉइल जानी जरूरी है।
आधा हो गया है एंड आधा पोर्शन अभी भी बचा है, तो इसके ऊपर अभी फोकस करते हैं। तो थोड़ा सा इस तरफ आ गया है, इस तरफ मूव करते हैं। फिर सॉइल में जो परलाइट है और जो स्टोन्स है उसकी वजह से ड्रेनेज बहुत इंप्रूव होता है एंड बोनसाई में अपने को वही चाहिए। वी वांट अ वेरी गुड ड्रेनेज, जैसे हम लोग पानी ऊपर डालेंगे फटक से सीप होना चाहिए नीचे, एट द सेम टाइम थोड़ा मॉइस्चर रिटेन भी होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग वाटर करेंगे तब तक ट्री को पानी मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग पीट मॉस ऐड करते हैं। सो बोनसाई सॉइल शुड बी वेल ड्रेनिंग एंड इट शुड ऑल्सो होल्ड सम मॉइस्चर इन टू इट। सॉइल जो है वो अंदर गई है एंड वी नीड मोर सॉइल, थोड़ा और सॉइल इसमें मैं ऐड कर देता हूँ बिकॉज जगह बन गई है सॉइल के लिए। ऐड करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है इसमें, जो कि बहुत अमेजिंग लगता है। जो रूट्स हैं बहुत अच्छे दिखते हैं, हिंदी में बोले तो जड़ और जापनीज में बोले तो निबारी। यहाँ से थोड़ा सा लूज है तो इसको हम लोग टाइट करेंगे। टाइट हो गया एंड आप देख सकते हो सब जगह से टाइट है, यहाँ से थोड़ा सा लूज है उन लोग टाइट कर लेंगे। थोड़ा और अपने को सॉइल लगेगा इसमें। मोस्टली लोग फाइकस के बहुत सारे बोनसाई बनाते हैं, दैट्स बिकॉज इजी है बनाने को, दिखते अच्छे हैं, ग्रो अच्छे से होते हैं। सो एंड आई एडमिट फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम मैं फाइकस ट्री के ऊपर इतना काम कर रहा हूँ। इट्स गुड गुड टू सी, काफ़ी स्ट्रांग है ये।
थोड़ा और सॉइल डालता हूँ मैं। उसका जो बार्क है उसको थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर सकते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, फ्लेयरिंग बहुत अच्छा दिखेगा। और अच्छा दिखना चाहिए तो इसके ऊपर एक लेयर ऑफ मॉस, ग्रीन मॉस भी बहुत अच्छा दिखता है। बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थिंक वी आर गुड। काफी हद तक ये स्ट्रांग हो गया है। Very nice, it's looking. Especially उसके जो जड़ है बहुत मजबूत दिख रहे हैं। So very very matured, isn't it? थोड़े दिखने भी चाहिए जड़, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो वो डेड हो जाएंगे। उसको मॉइस्चर भी मिलना चाहिए, इंश्योर करेंगे कि उसको मॉइस्चर तो मिले अच्छे से। So, that's it. एक फाइनल व्यू आपको दिखाता हूँ इसमें का। Amazing, isn't it? चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अपडेट में। आज के अपडेट में है ये ब्यूटीफुल इंग्लिश ओक ट्री जिसको मैंने सीड से ग्रो किया था, एंड आज आप देख सकते हो इट इज टर्निंग ऑल ब्राउन। सो इज इट बिकॉज ऑफ फॉल कलर्स और बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, दैट आई डोंट नो, वो देखना पड़ेगा अपने को। आई एम नॉट श्योर कि ये स्ट्रेस वजह से है या ये जो फॉल सीजन के कलर्स हैं, मतलब ये अक्टूबर नवंबर मंथ है इसकी वजह से, और आई डोंट नो, लव टू चेक दैट। जो दूसरे इंग्लिश ओक ट्रीज थे मेरे, उसके रूट्स जो है वो डेड हो गए थे। इसके रूट्स आई एम नॉट येट श्योर बिकॉज मैंने इसको रिमूव नहीं किया, बट एटलीस्ट स्टेम देख के तो लग रहा है कि इट इज स्टिल अलाइव। हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं है ये, थोड़ा सा इसको स्क्रैच करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, बट इट इज, या इट इज सॉफ्ट, सो इट्स नॉट दैट हेल्दी। So I think it's about to die, ऐसा मुझे लग रहा है। I'm not very sure. It was a beautiful tree, English oak. मुझे बहुत पसंद है ये tree. I wish I could grow it in India, but because of this climate, यहाँ पे chilling नहीं होता है winter में बिल्कुल भी. So that is what it needs. शायद वो नहीं दे पा रहा हूँ मैं, and that's why it is struggling. And ये दूसरा जो है, that is another seedling जो बाद में grow हुआ. And seedling तो generally strong आता ही है English oak का. Initially it grows well, पहले 6 months तक, उसके बाद में it starts struggling like this. ये कितनी strong तरीके से grow हुआ था आप देख सकते हो, काफी dense and strong root भी उसने grow किया था, shoot भी उसका अच्छा हुआ था, but after 6 months उसको समझा कि अपना climate नहीं है ये, and it started to dry out. So, पता नहीं है dead है पूरी तरह से कि नहीं, I think थोड़ा बहुत life है इसमें. I don't know, कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर इसको यहाँ पे कट करूँगा एंड किसी दूसरे हेल्दी रूट्स के ऊपर इसको ग्राफ्ट करूँगा तो शायद मैं ग्रो कर सकता हूँ इंग्लिश ओक, बट दैट्स अगेन अ वाइल्ड गेस। सो दैट्स इट। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। सो डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड स्टार्ट प्लांटिंग, अपने घर पर भी आप प्लांट्स लगा सकते हो, एंड ऑलवेज स्टे ट्यून्ड टू थ्रिलर बॉन्साई।